Good morning, students. I welcome you all to daily a quick one-liner update series on my YouTube channel NSN Lives. Right, it's 13th of October और हम जैसे regular quick one-liner है जो discuss करते हैं, आज भी हम वैसे ही करेंगे. तो चलिए start करते हैं. उससे पहले आप मेरे channel को subscribe कर लीजिए, मेरे और भी जो social media handles हैं उनको follow कर लीजिए. Right, और regular PDF के लिए मेरा telegram channel join कर सकते हैं आप. So पहला question है, which state government has signed a concession agreement with representatives of Zurich Airport International for designing, building and operating Noida International Airport at Jewar. Right. So, कौन सी state government ने Noida, पहली बात तो Noida New Okhla Industrial Development Area, ये है कहाँ पे जी, उत्तर प्रदेश में है. Right. So, आपने नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए जो इंडियन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने Zurich Airport International के साथ डिजाइनिंग, बिल्डिंग और ऑपरेटिंग के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्ट किया है. सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश होगा. तो चलिए, बहुत ही सिंपल था. तो आप अगर एक भी जगह का नाम पता है तो आप उसको याद पता कर सकते हैं अच्छे से आंसर को, ठीक है. सो इट्स नोएडा, इट इज इन उत्तर प्रदेश. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2021. सो जी, कौन सी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, जिसने इंडिया की जीडीपी 9.6% से बढ़ने की उम्मीद की है. राइट. सो चलिए देखते हैं कौन सा होगा आपका राइट ऑप्शन, हो जाएगा सी ऑप्शन. राइट. सो इट्स वर्ल्ड बैंक. राइट. सो इट्स वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इंडिया की जीडीपी को कॉन्ट्रैक्ट 9.6% से फाइनेंशियल ईयर 2021 में. सो व्हिच इज रिफ्लेक्टिव नेशनल लॉकडाउन एंड इनकम शॉक एक्सपीरियंस बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक. द वर्ल्ड बैंक अर्लियर इन द जून हैज एस्टिमेटेड इंडियन इकोनॉमी टू श्रिंक बाय 3.2% इन द करंट फिस्कल. राइट. सो ये देखिए, जो लॉकडाउन की वजह से जो हमें नुकसान हुआ है वो हमें इस बार देखने को मिल सकता है जीडीपी में. सो वर्ल्ड साइट डे ये कब मनाया जाता है जी 2020 का, सो आप हमें बताएंगे. सो वर्ल्ड साइट डे ये आपका 8th ऑफ अक्टूबर को हो जाएगा हर साल, तो इस बार भी मनाया गया है. सो इसमें क्या होता है, एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर ईच ईयर, ये 8th ऑफ अक्टूबर होना जरूरी नहीं है, एवरी सेकेंड जो थर्सडे होगा हर साल का अक्टूबर का, तो तब मनाया जाता है ये. और दिस डे ट्राइज टू क्रिएट ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट विजन इंपेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस, ये इसका मतलब है. और इस बार की थीम है डोंट लूज साइट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट मारियो मोलिना पास्ड अवे, ही वाज द विनर ऑफ विच अवार्ड. सो साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, मारियो मोलिना, ये मैं बता दूं आपको, इन्होंने ओजोन लेयर के बारे में रिसर्च किया था, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था. राइट. और ये इनका अभी अभी डेथ हो गया है. सो 1995 में इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री का, इस किसके लिए, फॉर द ईयर 1970 रिसर्च ऑन द डैमेज टू द ओजोन लेयर, उसके लिए इन्होंने रिसर्च किया था, उसके लिए इनको नोबेल मिला था. राइट. ये मैक्सिकन थे बेसिकली. सो विच कंपनी हैज टाइड अप विद IRCTC टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग्स, तो कौन सी कंपनी है जी, बहुत सारी अमलगमेशन हो रहा है अब कंपनीज का, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है. सो गूगल है, अमेजन है, पेटीएम या फ्लिपकार्ट है, तो ये जी अमेजन हो जाएगा, A to Z. राइट. तो ये हमारा अमेजन हो जाएगा जी. इन्होंने कोलेबरेशन किया है हमारे IRCTC के साथ. सो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC टू प्रोवाइड इट्स कस्टमर्स विद द फैसिलिटी टू प्रोवाइड टू बुक रिजर्व ट्रेन टिकट्स ऑन अमेजन. अमेजन पे अब आप ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटेड ओडिया पोएट नित्यानंदा नायक विल रिसीव विच अवार्ड. तो नित्यानंदा नायक जी, कौन सा इनको अवार्ड मिलने वाला है, ये ओडिया पोएट है मेनली. राइट. सो इनको द्रोणाचार्य, जो हमारा किसी गुरु को दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए द्रोणाचार्य, अगर कोई आपके गुरु है, आप कोई खेल में है और खेल में आपके कोई कोच है, तो उन कोचेस को मेनली दिया जाता है. सरला पुरस्कार, पद्मश्री, आपका थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया पद्मश्री, देन आपका पहले भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, देन पद्मश्री होता है. राइट. सो आपका पद्म विभूषण, आभूषण नहीं, विभूषण होगा. राइट. सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है. सो बी, इनको अवार्ड, सरला अवार्ड मिलने वाला है फॉर द पोएट्री वर्क सत बलेकू नतीबा.
published in 2017, the poet will be facilitated with a cash award of 5 lakh and a citation. मतलब एक सर्टिफिकेट मिलेगा और 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है? Next question, which nation successfully test fired Rudram and anti-radiation missile? तो जो रुद्रम जो नाम से देखने से लग रहा है कोई साउथ इंडियन मूवी है, बट ये क्या यूएसए से लग रहा है, क्या ये रशिया से लग रहा है, चाइना से तो वो बिल्कुल ही लग रहा है, और जी ये राइट ऑप्शन आपका ऑफ कोर्स इंडिया हो जाएगा. सो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द रुद्रम एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑन October 9, 2020. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय रिसर्च डेवलपमेंट डीआरडीओ, अपना दिल्ली बेस्ड जिसका हेडक्वार्टर है. द मिसाइल वॉज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम इट्स प्राइमरी टेस्ट प्लेटफॉर्म सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट. ईस्ट कोस्ट कौन सा है? अपने वही व्हीलर आइलैंड, राइट? व्हीलर आइलैंड वहीं से, ठीक है? चलिए, विच बैंक रिलीज्ड इट्स थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट बाय 2021? सो कौन से बैंक ने अपना थर्ड बाय मंथली आपका जो है द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी है जो स्टेटमेंट उसको रिलीज किया है? क्या एसबीआई है, आरबीआई है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है? सो आपका सही ऑप्शन आरबीआई हो जाएगा, आरबीआई ही करता रहता है, राइट? सो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेट ऑन 7th, 8th एंड 9th अक्टूबर फॉर इट्स थर्ड मीटिंग ऑफ 2021, राइट? सो शक्तिकांत दास जी हमारे गवर्नर हैं, और दो दिन पहले मैंने डिप्टी गवर्नर बताया था इसी सीरीज में आपको डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं अभी आरबीआई के, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे जरूर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान हैज पास्ड अवे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? तो आपको पता होना चाहिए जी हमारी कौन सी पार्टी है जी, क्या ये आप है जी? बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी पार्टी के लीडर थे. बीजेपी है जी? नहीं, कांग्रेस नहीं, इट्स लोक जनशक्ति पार्टी, राइट? सो हमारे रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, अभी बहुत फेमस हमारे पॉलिटिकल फेस थे इंडिया के. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान जी पास्ड अवे, ही वाज बोर्न ऑन 5th जुलाई 1946, ठीक है? और अभी इनका डेथ हो गया है. चल, जॉर्डन्स किंग अब्दुल्ला द सेकंड अपॉइंटेड हुम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री? सो जॉर्डन में कौन, जॉर्डन के जो किंग है, किंग अब्दुल्ला द सेकंड ने किसको प्राइम मिनिस्टर अभी बनाया है, अपॉइंट किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बिश्र अल खसावने, राइट? नॉट, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा खसावने. तो चलिए इनका देखते हैं, किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला द सेकंड इब्न अल हुसैन हैज अपॉइंटेड बिश्र अल खसावने पॉलिसी एडवाइजर टू द किंग as new prime minister of the country. His appointment come after King Abdullah II Ibn al-Hussein accepted the resignation of the prime minister Omar al-Razaz, right? To dekhi, who launched Jan Andolan campaign ahead of festive season? Jan Andolan campaign kisne chalaya hai apne jo tyoharon ka season hai aane wala usse pehle? तो आपको बता दें एक ही है जो ऐसे कैंपेन लॉन्च करते रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन हो गया. सो कोविड के लिए इसको दोबारा से लोगों को जागरूक करने के लिए किन्होंने बोला है, जिसको जन आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन बोला है, सॉरी जन आंदोलन एक क्या बोलेंगे उसको, राइट? अभियान, हाँ जी अभियान लॉन्च किया इन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद इजराइल टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इजराइल के साथ पार्टनरशिप किया है? तो मेघालय है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या असम है, राइट? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जी मेघालय. सो मेघालय ने पार्टनरशिप किया है अभी इजराइल के साथ. इजराइल आपको पता है हॉर्टिकल्चर फल सब्जी बहुत ज्यादा इसमें डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर में स्पेशली, और आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी. तो इसराइल हर तरह से एक तरह से डेवलप्ड कंट्री है. सो मेघालय गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इसराइल टू एस्टेब्लिश वन ऑफ अ काइंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स इन द स्टेट टू इम्प्रूव एंड प्रमोट द लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स, ठीक है? एंड फॉर टैपिंग द डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी एंड अवेलेबल रिसोर्सेज इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ इट्स सॉइल एंड एग्रो climatic conditions, right? Next question, who has been re-elected as chairman of AMFI? So kisko dobara se chairman banaya gaya hai AMFI ka? Kya ye Nilesh Shah hai, Ranjan Jha, Rajiv Thakur
या आपके नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हम बता दें, नीलेश शाह फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो नीलेश शाह जी को दोबारा से चेयरमैन बनाया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिया, ये AMFI का फॉर्म है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इंडिजिनस कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है अपना कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए इफ ये इफको है, GSFC है, या बोथ दोनों एक साथ है, या इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये सिर्फ GSFC हो जाएगा, राइट? सो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, इन्होंने अपना लॉन्च किया है इंडिजिनस वैरायटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट ऑन अक्टूबर 9th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम गॉट नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी, आपको पता है अभी अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को एक नोबेल प्राइज मिला है, कौन सी कैटेगरी में मिला है? टोटल 6 कैटेगरी होती है आपको पता है नोबेल में, सो इसमें से एक कैटेगरी होती है जो नोबेल पीस प्राइज, ये मिला है इनको, राइट? पूरी दुनिया में अच्छे से फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हंगर को मिटाने के लिए, पॉवर्टी को मिटाने के लिए, सो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड लिंक्ड इंक्ड 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक टू एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट। सो नाबार्ड ने 3 MOU किसके साथ, कौन से बैंक के साथ अभी ज्वाइन किया है, लॉन्च किया है, तो ये क्या RBI है, SBI, ICICI है, PNB? सो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने 3 MOU साइन किए हैं नाबार्ड ने, तो नाबार्ड कौन सा है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आप मुझे बताएंगे, और SBI कब फॉर्म हुआ था ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, राइट? नीचे कमेंट जरूर करना है सबको, कंपलसरी है। हु लॉन्च्ड इंडियन बैंक्स बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है जी, क्या ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन या स्मृति ईरानी जी? सो आपको बता दिया जाए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये MSME प्रेरणा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड MSME प्रेरणा एन ऑनलाइन बिजनेस मॉनिटरिंग मेंटोरिंग प्रोग्राम फॉर MSME बाय स्टेट रन इंडियन बैंक। द प्रोग्राम टू बी मेड अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेजेस इज एम्ड एट एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, राइट? MSME मतलब मार्जिनल एंड स्मॉल एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो चलिए ये इसका फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड पोस्ट डे, पोस्ट मतलब जो आपका बाय पोस्ट आप भेजते हैं, कभी किसी को लेटर लिखा होगा ना, वो वाला लेटर नहीं, नॉर्मल वाला लेटर, बाय वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट, तो ये कौन सा बाय पोस्ट पोस्ट का दिन था जी, कौन सा दिन हो गया जो हम वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं? सो इट्स 9th of October, या राइट? तो ये आपका इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे। So the purpose of World Post Day is to create awareness of the role of the postal sector in people's and businesses' everyday lives and its contribution to the social and economic developments of the country. Right, next question. Who released National Clinical Management Protocol based on Ayurveda and Yoga for Management of COVID-19? किसने लॉन्च किया है National Clinical Management Protocol COVID-19 से बचने के लिए, ठीक है? So, क्या नितिन गडकरी जी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर, रमेश पोखरियाल जी हमारे एचआरडी मिनिस्टर, और नरेंद्र सिंह तोमर जी, चलिए तो कौन से हो गए हमारे इसमें से, किन्होंने लॉन्च किया? सो ऑफकोर्स हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, चलिए यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने रिसेंटली रिलीज द नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा एंड योगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 इन द वर्चुअल presence of Shri Prasad Yesu Nayak, Minister of State for Ayush, or etc. Chaliye. Next question. Who has inaugurated the Gyan Circle Ventures on October 8, 2020? Kisne launch kiya hai Gyan Circle Venture? Abhi 8 October ko Narendra Singh Tomar hai, Ramesh Pokhriyal, Piyush Goyal, ya none of these. So, aapka sahi option Ramesh Pokhriyal ji ho jayega. फॉर यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, जो जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल दिया गया है MHRD को, सो इसी को के मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशांक जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ज्ञान सर्कल वेंचर ऑन अक्टूबर 8 को, अभी
और इसमें क्या होता है, मीटी फंडेड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBI डेवलप बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको इसको PDF प्रोवाइड कर देती हूँ। सो डेली क्विक वन लाइनर अपडेट सीरीज में ये आज 13th ऑफ अक्टूबर का वीडियो हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।